हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे हेल्थ कार्ड के वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के बारे में। डिटेल रिव्यू करूंगा और आखिर में बताऊंगा प्रोडक्ट आपके लिए वर्क फॉर मनी है या नहीं। तो गाइस, बिना कुछ समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रांडिंग एंड ओवरव्यू के बारे में। तो यहाँ पे हेल्थ कार्ड ने अपनी ब्रांडिंग की है। यहाँ प्रोडक्ट का नाम लिखा है वे प्रोटीन विद एडेड एंजाइम्स। इसमें कंपनी ने अलग से ऐड किए 24 ग्राम प्रोटीन है पर स्कूप में, एक पास है अनफ्लेवर्ड प्रोटीन। उसके बाद इस साइड कंपनी ने लिखी अपनी कुछ तारीफें, यहाँ पे कंपनी ने इनकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल बताई है और इस साइड में कंपनी ने अपनी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर अमीनो एसिड प्रोफाइल डिस्क्लोज किया। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चर के बारे में। तो इसको मैन्युफैक्चर करता है साइफंस लैब, जो कि एक सोलन हिमाचल बेस्ड कंपनी है और यही सेम कंपनी मसल ब्लेस का डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मैन्युफैक्चर करती है और इसको मार्केट करता है ब्राइट लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड कंपनी है। यही मसल बेस के सारे प्रोडक्ट को मार्केट करती है। सो गाइस, नेक्स्ट बात करें इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो इसकी पैकेजिंग जो कंपनी ने प्रोवाइड की काफी बढ़िया है, हाथ से इतनी आसानी से खुल नहीं रही है। शीट कटर से इसको खोलता हूँ। तो गाइस, ये पैकेजिंग तो काफी बढ़िया है। तो पैकेजिंग के मामले में तो कंपनी को 8/10 मार्क्स दूंगा। तो बात करें स्मेल की, तो स्मेल करने के बाद हल्का सा जैसे आपने कभी मिल्क पाउडर यूज किया होगा तो वैसी इस टाइप की इसमें स्मेल आ रही है। बात करें इसके टेक्सचर की, तो देख सकते हैं काफी दरदरा इसका टेक्सचर है। तो इससे क्या होता है, मिक्सेबिलिटी में इश्यू आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फर्स्ट नेक्स्ट बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो कंपनी ने मेंशन किया वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट इन्हें यूज किया इसमें और डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रो मेलन एंड पेपिन। गाइस, कंपनी इतना ही मेंशन किया, इसमें इमल्सीफायर कंपनी ने मेंशन नहीं किया और ये अनफ्लेवर्ड, इसलिए कंपनी ने किसी प्रकार का भी इसमें स्वीटनर ऐड नहीं किया है। तो गाइस, मुझे ठीक लगा इसका इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो गाइस, कंपनी ने मेंशन किया यहाँ पे 30 ग्राम की एक हीपिंग स्कूप है, याद रखना ये बात को। 1 किलो में इसमें 33 सर्विंग आपको मिल जाएगी। तो अपन पर सर्विंग से ही आपसे बात करते हैं। तो आपको पर सर्विंग में 118 कैलोरी मिलता है मोटा मोटा। इसमें आपको प्रोटीन मिल जाता है 24 ग्राम, कार्ब्स मिल जाते हैं 2.1, जिसमें फैट मिल जाता है आपको 1.5 ग्राम और इसमें एंजाइम्स ऐड किए कंपनी ने 45 mg। ये अच्छा लगा मुझे, इन्हें एडेड एंजाइम्स का यहाँ पे न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन में मेंशन कर दिया। नहीं, बात करें इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल की, तो कंपनी ने नीचे ही मेंशन कर दिया है, जिसमें कंपनी ने मेंशन किया है EAA इसमें 11.28 ग्राम है, जिसमें से ब्रांच चेन एमिनो एसिड 5.29 ग्राम है और सेमी एसेंशियल एमिनो एसिड 3.65 ग्राम है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड 9.07 ग्राम है और ग्लूटामिक एसिड 4.21 है। और यहीं पे कंपनी ने इसके नाम मेंशन किए, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो इस बात करें स्कूप एक्यूरेसी की, तो टीयर कर दिया, जीरो कर देता हूँ इसको और फिर देखते हैं क्या आती है स्कूप एक्यूरेसी। तो गाइस, कंपनी ने मेंशन किया हीपिंग स्कूप, मैं ले रहा हूँ लेवल स्कूप क्योंकि मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि बहुत बड़ा स्कूप दिया है कंपनी ने। तो गाइस, हीपिंग स्कूप तो और 2-3 ग्राम ऊपर आएगा, मैंने लेवल करके स्कूप लिया है तो ही 37 ग्राम का आ गया है और कंपनी ने मेंशन किया है 30 ग्राम का इसका हीपिंग स्कूप। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एक लेवल स्कूप से भी कम लेना है यदि आपको इसके सर्विंग से मैच करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी मिक्सेबिलिटी के बारे में। तो ये मैं ले रहा हूँ इसका पौना स्कूप, जो मेरी एक सर्विंग को मैच करे। तो गाइस, किसी प्रकार का कोई भी लम देखने को नहीं मिला और 3-5 सेकंड में एक नंबर की मिक्सेबिलिटी मिल गई है। तो मैं कंपनी को मिक्सेबिलिटी के मामले में 10/10 मार्क्स दूंगा। बहुत ही शानदार मिक्सेबिलिटी लगी मुझे इस प्रोटीन की। अगर इसके टेस्ट के बारे में, तो किसी प्रकार का कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा, ना मीठा ना खट्टा ना फीका, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल टेस्ट आ रहा है इसका। तो टेस्ट के मामले में तो क्या बोलूं, कंपनी को 6/10 मार्क्स दूंगा। बाकी मैंने कुछ कंपनी के अनफ्लेवर ट्राई किए हैं तो उसमें हल्का सा स्वीट फ्लेवर आता है, मिल्क का फ्लेवर आता है, बाकी इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई भी फ्लेवर नहीं आ रहा है, एकदम न्यूट्रल सा इसका फ्लेवर आ रहा है। सो इस फाइनल बात कर लेते हैं इसकी प्राइस रेंज के बारे में। तो कंपनी ने मेंशन किया इसका प्राइस रेंज 1800 रुपये, बाकी मुझे आए हैं लगभग 1600 रुपये के प्राइस रेंज में। आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लो, अमेजोन से ऑर्डर कर लो, जहां से ऑर्डर करना है वहां से कर लो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। यदि प्रोटीन पटे
तो परचेस करना, क्योंकि मुझे प्राइस रेंज वाइज प्रोटीन थोड़ा ओवर प्राइस लगा। दो साल पहले ये 1100 रुपए में सर्व करते थे, आज ये 1600 रुपए में कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस प्रोडक्ट लगा। इसका सही प्राइस 1400 रुपए मेरे हिसाब से होना चाहिए। यहाँ महंगाई बढ़ी है मैं मानते हुए 1100 से 1400 रुपए बोल रहा हूँ, बाकी 1600 रुपए के हिसाब से मुझे प्रोटीन महंगा लगा। बाकी इस वीडियो में जो भी मैंने बताया टोटली मेरा ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में आके आपको परचेस करने की कोई जरूरत नहीं। यदि आपको खुद को लगता है खरीदना है तो आप खरीदना। बाकी यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई क्वारी है तो नीचे कमेंट कर देना, लगता है किसी हेल्प लगता है तो शेयर कर देना और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।